केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 25 सितंबर को शिमला आ रहे हैं। इस दौरान वे प्रदेश के औद्योगिक घरानों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को जानेंगे। प्रदेश के उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एक दिन के लिए हिमाचल आ रहे हैं और यहां वे प्रदेश के उद्यमियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें यहां के औद्योगिक घराने उन्हें अपनी समस्याएं बताएंगे। उन्होंने कहा कि बीते दिनों चंडीगढ़ में भी बैठक कर 3000 करोड़ के MOU भी साइन किए हैं। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट का मामला केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। योजना में कुछ और स्कीमों को जोड़ना चाहते हैं और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इन सब से हमने ये पूछा है कि आप हमें उसको मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का हिस्सा बनाए। और आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि चाहे वो गोट फार्मिंग है, चाहे आपका आपका एग्रीकल्चरली पालन के काम में उसको पौंड बनाने के लिए, उसको मछली का उत्पादन अच्छा करने के लिए, अच्छा बीज देने के लिए, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए, आज इन सब विषयों के ऊपर बातचीत हुई। 7 दिन के अंदर अंदर जो स्कीमें आपको वायबल लगती हैं उनको एंटर किया जाए ताकि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का जो लिस्ट है वो और बड़ी हो और ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को राहत मिले। मुख्यमंत्री महोदय ने जिस दिन से योजना शुरू की है, आपके ध्यान में रहना चाहिए कि इसके बारे में बेनिफिशरीज और साथ मुख्यमंत्री जी की इंटरेक्शन हुई है, मेरे साथ इंटरेक्शन हुई है, इसलिए बहुत बड़ा वर्ग है जिस वर्ग को इस योजना का फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का एक ऐसा प्रयास है जिसके कारण से हिमाचल प्रदेश के नौजवान अपने पैरों पर खड़े होने में उनकी मदद कैसे हो सकती है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एक भारतीय जनता पार्टी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस योजना के माध्यम से बहुत बड़ा वर्ग, नौजवानों का वर्ग जिन्होंने इस योजना को अपनाया है और अपनी भी रोटी चलाई है और साथ में कुछ और लोगों को की भी रोटी जो है वो चलाई है। आज कुछ विभागों का ये मानना है कि ये इतनी अच्छी योजना है, इसमें जो टारगेट दिए जाते हैं उन टारगेट्स को फुलफिल करती है, हम उस योजना में कुछ और स्कीमों को जोड़ना चाहते हैं और वो स्कीमें जोड़ने के लिए फिशरी डिपार्टमेंट, वूल फेडरेशन और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इन सब से हमने ये पूछा है कि आप हमें वो स्कीमें बताइए जिनको कहीं पर भी नहीं लिया गया है ताकि हम उसको मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का हिस्सा बनाएं। और आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि चाहे वो गोट फार्मिंग है, चाहे आपका आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम है, उसके साथ के आपने प्रोसेसिंग यूनिट चलाने हैं, इस प्रकार की बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जिनको हमने लिया है। इसके साथ साथ किसी ने मछली पालन का काम करना है, उसकी मछली पालन के काम में उसको पौंड बनाने के लिए, उसको मछली का उत्पादन अच्छा करने के लिए, अच्छा बीज देने के लिए, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए, आज इन सब विषयों के ऊपर बातचीत हुई है। और हमने विभाग को निर्देश दिए हैं कि जो आज डिस्कशन हुई है 7 दिन के अंदर अंदर जो स्कीमें आपको वायबल लगती हैं उनको एंटर किया जाए ताकि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का जो लिस्ट है। एंस्टा न्यूज़ के लिए शिमला से कपिल ठाकुर की रिपोर्ट।